स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पे हमारा कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अप्लाई करने वाले हैं आइडेंटिटी को। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 8 इंटू में ए माइनस बी का क्यूब। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब है और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू में ए माइनस बी का होल क्यूब कर देते हैं। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 इंटू में ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी होगा, फिर ए स्क्वायर यानी आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए बी यानी ए प्लस बी इंटू में 2 इंटू में ए माइनस बी, ठीक है, और प्लस में 2 इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं, ए प्लस बी माइनस का 2a प्लस का 2b, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, या पहले अभी रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में किया जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस माइनस में तो ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसके बाद चलिए आगे हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का a और प्लस का 3b हो जाना है, अंदर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर। अच्छा अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 8ab और प्लस का 4b स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे यहाँ पर देखते हैं, माइनस का a प्लस का 3b, a स्क्वायर वाला टर्म जो है यहाँ पे है और यहाँ पर है, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आप लिखेंगे इसको क्या लिख देंगे जी, तो 3 और कहीं है क्या, यहाँ पे है, यहाँ पे है 7 हो जाएगा 7a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ab वाला टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे है और कहीं है क्या, ए बी वाला टर्म यही दो है तो माइनस का 6ab हो जाएगा। अच्छा बी स्क्वायर वाला यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो 5 में से 2 गया आपका आ जाएगा 3, तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब प्लस में x माइनस 2 का क्यूब। एक काम करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस में ए माइनस बी का होल क्यूब। इसके लिए भी हम लोग आइडेंटिटी यहाँ पर देख सकते हैं, क्या होगा इसके लिए आइडेंटिटी, अगर हम लोग यहाँ पे इसके लिए आइडेंटिटी देखें तो इसका आइडेंटिटी हो जाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसके लिए आइडेंटिटी हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा आपका ए क्यूब और प्लस का 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 इंटू में x का क्यूब और प्लस में 3 इंटू में x इंटू में 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से अंदर से एक x कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 12, यही ना बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया ये, है ना, कुछ नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, दिया हुआ है a का पावर 12 और प्लस b का पावर 12। एक काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं a का पावर 4 का क्यूब, 12 है इसलिए, और यहाँ b का पावर 4 का क्यूब कर देते हैं। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए जो आइडेंटिटी है यही लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 और इंटू में ए के पावर 4 का स्क्वायर माइनस का ए का पावर 4 बी का पावर 4 और प्लस बी का पावर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए का पावर 4 प्लस का बी का पावर 4 और यहाँ ए का पावर 8 माइनस ए का पावर 4 बी का पावर 4 प्लस बी का पावर यहाँ 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, एक्स का क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 6। यहाँ फैक्टर कर लेंगे, देखिए किस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग इसमें x की जगह माइनस 4 रखेंगे ना तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हम लोग 4 माइनस 4 रखते हैं 0 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 4 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, x का क्यूब लेते हैं, अच्छा, और इसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड, यहाँ प्लस 16 है, एक काम करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं
यहाँ पर लिख लेते हैं अब इसे प्लस का 4x² और प्लस का 2x², कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करेंगे यही आ जाएगा। अब देखो ऐसा इसलिए हमने किया ताकि इसमें से कॉमन करें x², तो x+4 बच जाए। अच्छा यहाँ 2x² लिख दिए तो इसमें से हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 8x, ताकि इन दोनों में से कॉमन करें तो x+4 बच जाए। अब 8x यहाँ लिख दिया तो इसमें कितना बच गया, 4x और +16, दो दो टर्म में कॉमन करते हैं। यहाँ x² तो x+4, यहाँ पर 2x तो यहाँ पर x+4, और यहाँ पर 4 कॉमन करते हैं तो x+4, सभी ब्रैकेट में एक जैसा आ गया ना टर्म। x+4 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, बच जाएगा आपका x² प्लस का 2x और प्लस का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? हम लोग यहाँ पे एक और तरीके से बना सकते थे। यहाँ पे देखिए x³ प्लस का 6x² प्लस का 12x प्लस का 16 है ना जी, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ लिख देते हैं x³ प्लस 6x² प्लस का 12x प्लस का 16 को हम लोग 8+8, यहाँ x³ प्लस का यहाँ लिख देते हैं 2³, इसको भी 2³ लिख देते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए 3 × में x² × 2 ये आ जाएगा, और प्लस 3 × में x × में 2² ये आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमने फॉर्मूले पे सेट कर दिया, किस पे, x+2³ पे और प्लस का 2³। तो यहाँ देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा आपका a+b यानी x+2+2, और यहाँ पे हो जाएगा x+2² माइनस का x+2 × में 2 और प्लस में 2² ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x+4 हो जाना है, यहाँ हो जाएगा x² प्लस का 4x+4, यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 4+4, इससे हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये काट सकते हैं, हो जाएगा x+4 × में x² प्लस का ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x और प्लस का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, यहाँ 20 दिया हुआ है, a³ - 1/a³ और -2a+2a, यहाँ देखिए a³ - b³ का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हो जाएगा a - b × में a² + ab और प्लस में b² ठीक है, और माइनस यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा a - 1/a। अब देखिए यहाँ इससे ये कट जाएगा, a - 1/a दोनों जगह है तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका a² + 1+1/a² और यहाँ -2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो a - 1/a × में a² + 1/a², ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, देखिए दिया हुआ है a³ + 3a² + 3ab² + b³ - a, तो ये तो फॉर्मूला ही है यहाँ से यहाँ तक, किसका फॉर्मूला है a+b³, और 8 को हम लोग 2³ कर सकते हैं, तो a³ - b³ क्या हो जाएगा, a - b × में a² यानी a+b² प्लस का ab यानी a + b × 2 और प्लस में 2² फॉर्मूले पे सेट हो गया। यहाँ पे a³ - b³ के लिए जो आइडेंटिटी था a - b × में a² + ab + b² इस पे हमने इसे सेट कर दिया, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा a+b - 2 × में यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला a² + 2ab + b² + 2a + 2b + 4, तो हो जाना है यहाँ पे a+b - 2 × में, इसमें तो कुछ ऐड वगैरह होगा ही नहीं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही छोड़ दीजिए ठीक है, या फिर आप इतना भी छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था, बस इसका स्क्वायर 4 लिख देते उतना भी चल जाएगा, आंसर आपको इतना ही दिया है ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 नंबर, देखिए क्या है, तो दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या दिया हुआ है, 8a³ - b³ - 4ax + 2bx। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से ना हम लोग देख रहे हैं कि ये 2a का क्यूब है और यहाँ -b का क्यूब कर देते हैं, और यहाँ से आप कॉमन कर लो 2x, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, 2a और माइनस का यहाँ b बच जाएगा। यहाँ पर अब a³ - b³ वाला आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्या होगा a - b × में a² + ab और प्लस का b² ठीक है, माइनस का 2x × में 2a - b। अब यहाँ से 2a - b को कॉमन कर लेते हैं तो आपका बच जाएगा ये 4a² + 2ab + b² और यहाँ -2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23 नंबर,
दिया हुआ है 2x माइनस 5y का क्यूब और माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब। अच्छा, एक हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं पीछे के एक्सरसाइज में, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आइडेंटिटी क्या होगा, माइनस का 2 इंटू में बी क्यूब और प्लस का 3a² b। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी। ठीक, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, माइनस का 2 इंटू में क्या हो जाएगा आपका बी क्यूब, यानी कि हो जाएगा 5y का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 2x का स्क्वायर इंटू में 5y। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू में देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 125y क्यूब और यहाँ प्लस का आ जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर 4 3 12 5 जा 60x² y। ठीक है, इतना छोड़ दीजिए या फिर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जगह माइनस का 150y क्यूब, सॉरी 250 होगा ना, माइनस का 250y क्यूब और यहाँ माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 120x² y। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए, सिंप्लीफाई करना था तो मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दिया, नहीं तो दूसरा हम क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इस पूरे को ए सपोज करते, इसको बी सपोज करते तब बना सकते थे, तो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ये बहुत ही इजीली बन गया है ना जी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सोल्यूशन, आरडी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उससे रिलेटेड वीडियो नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांत सर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।